मैंने की दावत की धूप में मचाऊं, अता ऐसा कर हौसला या इलाही। लोग तो जिन्नात के वजूद का इनकार कर देते हैं, ज्यादा ही कुछ पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। साहब जिन्नात उन्नात कोई चीज नहीं, नऊज़ु बिल्लाह सानिक। कुरान अज़ीम में सूरह जिन मौजूद है, सूरह जिन कुरान शरीफ में मौजूद है, और जिन्नात का वजूद मानना ये जरूरियात दीन में से, इसलिए कि जिन्नात का जिक्र कुरान में, जिन्नात एक बाकायदा मखलूक है, तो ये मानना पड़ेगा कि जिन्नात का वजूद है। जो जिन्नात के वजूद ही का इनकार करे कि जिन कोई चीज ही नहीं है, तो ये तो कुफ्र है, ये कुरान का इनकार। मसलन कुरान अज़ीम में आया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने नहीं पैदा किया जिन्नों और इंसानों को बल्कि अपनी इबादत के लिए, है ना। तो जिन कुरान शरीफ में आ गया ना, और सूरह जिन आप देख रहे हैं कुरान शरीफ की सूरतों की फहरिस्त, एक पूरी सूरत है सूरह जिन, जिनको पता उनको पता होगा। तो जिन का तो इनकार हो ही नहीं सकता, कुरान में इसका जिक्र है। तो ये मतलब नहीं कि हम जिन पर ईमान लाएं या जिन से ताल्लुकात, ये नहीं, मतलब जिन को मानना पड़ेगा कि जिन है, वजूद है उसका। इसी तरह साहब लोग बोलते हैं हम जादू को नहीं मानते, तो ये भी जरा कुरान के खिलाफ है। कुरान में जादू का जिक्र है, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का जो मुकाबला हुआ था, तो वो मतलब कुरान अज़ीम में मौजूद है। तो इस तरह जादू का भी वजूद है। आसमान का इनकार ये भी नहीं कर सकते कि साहब आसमान नहीं, जैसे साइंटिस्ट जो है साइंसदान लोग वो कहते हैं साहब आसमान थोड़े है, तो बस नजर की हद है। नहीं, आसमान का वजूद मानना पड़ेगा कि आसमान का जिक्र कुरान में मौजूद है कि आसमान भी है, आसमान का वजूद है ना, तो मानना पड़ेगा। जैसे कि लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, जो कुछ जमीन और आसमानों में अल्लाह के लिए, तो एक नहीं सात सात आसमान है, और जमीन भी एक नहीं सात सात जमीन है, तो ये सब मानना अपनी जगह पर है। शैतान को भी मानना जरूरी है, अगर कोई शैतान का इनकार करे कि साहब मैं शैतान को मानता ही नहीं कि शैतान का वजूद है, तो भी काफिर हो जाएगा। इसलिए कुरान में जिक्र है शैतान का, और हर शख्स पढ़ता अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, है ना। तो शैतान का वजूद भी मानना ही पड़ेगा कि कुरान में उसका तज़किरा है। तो कुरान के एक एक हर्फ पर हमारा ईमान है, कुरान के एक एक हर्फ पर हमारा ईमान है। तो जिस खुश्क व तर का जिक्र कुरान में है, उसके वजूद का हमें इनकार नहीं, हम मानते, ठीक है ना। मैंने की दावत की धूप में मचाऊं, अता ऐसा कर हौसला या इलाही।